नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ही ऐसा होता है जिससे यूट्यूबर को एक हिम्मत मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अपडेट्स लेके आता है। ठीक है जी, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी पर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए BPL राशन कार्ड को लेकर, जो कि 2.30 लाख नए BPL राशन कार्ड का धमाका हुआ है। इन सभी के बनेंगे BPL कार्ड, ये तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया, जो कि कल देर रात मीटिंग हुई थी BPL कार्ड के रिलेटेड BPL वालों से ही स्पेशली। ठीक है, उसके रिलेटेड आपकी बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि आपको शेयर कर रहे हैं, कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने ये सब कल अनाउंसमेंट की है। 2.30 लाख परिवार फिर BPL परिवारों की सूची में हुए शामिल। CM मनोहर लाल खट्टर जी ने नए BPL लाभार्थियों से किया संवाद, ठीक है, बातचीत की है भी। ये बहुत बड़ा अपडेट है जो आपके साथ हमने शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी स्किप मत ना करें, क्योंकि स्किप करते इन्फॉर्मेशन आप पे मिस होने वाली है। ठीक है, इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस नोटिफिकेशन पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये देख सकते हो जो कि 2.30 लाख BPL परिवार में जुड़े हैं, ठीक है जी, और 12,40,507 BPL परिवार हैं प्रदेश में अब, ठीक है जी, और 9 लाख अपात्र परिवारों को सरकार ने सूची से हटा दिया है। ठीक है, और ये परिवार पहचान पत्र के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों को सूची से काटे गए 2,30,000 परिवारों को फिर से सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है जी, और ये जो सूची जारी की थी 24 दिसंबर को, ये लिस्ट जारी की गई थी BPL परिवारों की, अब ये लिस्ट में दोबारा एडिशन किया गया है, 2,30,000 परिवार दोबारा ऐड किए गए हैं नए सिरे से। अब आय का सत्यापन करने के बाद इन परिवारों को BPL सूची में शामिल किया गया है। प्रदेश में 12,40,507 BPL परिवार हो गए हैं, जबकि 9 लाख अपात्र परिवार पाए गए हैं, सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने शनिवार को एक नए BPL लाभार्थियों से संवाद किया, बातचीत की है, तो सभी परिवारों का डाटा परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है, और नई नीति के तहत BPL परिवारों के लिए वार्षिक आय की सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये हो गई है, और PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस का PDS डेटाबेस के साथ एकीकरण करने से पहले राज्य में 11,37,000 परिवार थे और 16 लाख OPH यानी कि अन्य पिछड़ा परिवार थे। दोनों डाटा को एक साथ मिलाने के बाद 12,40,507 नए परिवारों को BPL सूची में शामिल किया गया। फिर उसके बाद दोबारा फिर वेरिफिकेशन हुई तो 2,30,000 परिवारों को BPL सूची में शामिल किया गया, जिनको पिछला राशन भी उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भी राज्य में BPL सर्वे ग्रामीण विकास एवं स्थानीय निकाय द्वारा 2007-08 में किया गया था। 2018-19 में भी एक सर्वे रिपोर्ट पर 50,000 के करीब राशन कार्ड बनाए गए थे, लेकिन बीच बीच में कोई अपात्र होने लोगों के नाम भी सूची में शामिल होने की शिकायत आती रही है। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि अब किसी भी पात्र लाभार्थी को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब घर बैठे ही जो पात्र लाभार्थी होंगे उनका ऑटोमेटिकली तरीके से राशन कार्ड बनेगा। ये मैंने पहले भी अपडेट दिसंबर में दी थी भी जो नए राशन कार्ड है वो ऑटोमेटिकली तरीके से बन रहे हैं, किसी को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके PPP से ही यानी कि परिवार पहचान पत्र से ही आपके राशन कार्ड बन रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट हम आज के लिए लेके आए हैं भी 2,30,000 नए BPL परिवार बने हैं, और बाकी सभी के सभी जो कंडीशन से आउट थे, यानी कि जिनका 200 वर्ग गज से ज़्यादा प्लाट था, 100 गज वर्ग से ज़्यादा गांव में प्लाट था, और 9,000 से प्लस बिजली बिल था, या ITR भरते थे, उनको BPL लिस्ट से
हटा दिया गया, ठीक है जी। और नए 2,30,9 2,30,000 परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल कर लिया गया। अगर आपका भी हटा तो आपको मैंने पहले भी बताया था भी ट्रिपल पी में जाकर कैसे आप अपनी इनकम वेरीफाई कर लेते हो, कैसे आप अपनी इनकम देख सकते हो, कैसे ग्रेवियंस लगा सकते हो। सिटीजन कॉर्नर में जाकर आपको वीडियो भी इस पर स्पेशली मिल जाएगी, परिवार पहचान पत्र के ग्रेवियंस पर मैंने स्पेशली डाली हुई थी, ठीक है जी। चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहिया करिए तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बढ़िया। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसे ही हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।